السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أو كما جاء في الحديث نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں शाबान की जब 15 तारीख हो जाए उसके बाद नफिल रोज़े मत रखो, कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में बहुत रोज़े रखते थे, दो चार दिन छोड़ते थे, पूरा महीना रखते थे रमज़ान आने की खुशी में। लेकिन हम लोगों से कहा कि रमज़ान शाबान की 15 हो जाए फिर नफिल रोज़े मत रखो। किसी की आदत है पीर और जुमेरात को रखने की, वो रख सकता है, लेकिन बिला सबब नफिल रोज़े मत रखो। आयशा रज़ी अल्लाह ताला ना कहती हैं, मेरे रोज़े छूट जाते थे रमज़ान में माहवारी की वजह से, मैं उनको ख़ज़ा नहीं कर पाती थी, यहाँ तक कि शाबान का महीना आता तो अल्लाह के रसूल बहुत रोज़ा रखते, मैं भी रोज़ा रख लेती। इसलिए उलमा ने कहा है जो बीमार थे, सफ़र पर थे, हाइजा औरत जो रोज़ा छोड़ी है, उनको चाहिए कि शाबान में अपने छूटे हुए रोज़े को पूरा कर ले। अगर नहीं किए, रमज़ान भी आ गया, रमज़ान के बाद वो रोज़े क़ज़ा करेंगे तो एक मिस्कीन को खाना भी खिलाना और एक रोज़ा भी रखना, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ऐसे ही कहा है। तो शाबान की क्या फजीलत है, शाबान की क्या फजीलत है, हदीस में कोई ख़ास बात नहीं आई, बस यही जो मैंने बताया, इसके अलावा शाबान की कोई और ख़ास बात नहीं आई। ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ततक़द्दमु रमज़ाना बिसौमि यौमिन औ यौमैन, रमज़ान से पहले एक या दो दिन का रोज़ा मत रखो। असल में ऐसा होता है, चांद देखते 29 के बाद नहीं नज़र आया तो समझते चांद नज़र आ गया होगा, निकल गया होगा, देखने में गलती हुई होगी, इसलिए चलो रोज़ा रख लेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसे नहीं रखना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, जो आदमी के एक दो दिन पहले रोज़ा रखता है रमज़ान से, वो एक तरह से अल्लाह के रसूल का नाफरमान है, ऐसा भी आपने बताया है। जहाँ तक मसला है शबे बरात का लफ्ज़ है भी नहीं, लैलतुन निस्फी मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात ऐसे आया। इसमें लोगों ने बहुत सारी बिदअतें ईजाद कर ली, इसीलिए उलमा कहते हैं गुनहगार बिदअती से बेहतर है। ये एक आदमी जो गुनाह करता है वो बेहतर है बिदअती से। क्यों? गुनाह जो करता है वो गुनाह समझ के करता, तौबा कर लेगा कि भाई इतने दिन से मैं गुनाह कर रहा हूँ ये गलत है। बिदअत ही सवाब समझ के करता, और क्या क्या कर सकते, और क्या क्या कर सकते, इसलिए जो है गुनहगार बेहतर है बिदअती से। हारून रशीद जो अब्बासी हुकूमत का एक बड़ा खलीफा था, उसके ज़माने में पारसी लोग, पारसी बोलने का मतलब पारसी एक कौम है, उसके कुछ लोग जो है मुसलमान हो गए हारून रशीद के ज़माने, उनको कहते थे बरमकी ख़ानदान, ख़ानदान है बरामी का, बरमकी ख़ानदान। दिल में आतश परेस्ती और ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह, बड़े बड़े वज़ीर, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर फ़लां, बहुत माहिर लोग हिसाब में किताब में दूसरी चीज़ों में,
इसलिए हारून रशीद ने उनको वजीर बना के रखा। मुसलमान बताते थे अपने आप को, लेकिन उनका अकीदा था आग की पूजा करना। इसलिए जब वो नया साल शुरू होता उनको, जिसको के नवरोज कहते हैं, नया दिन है ना, क्या करते वो जहाँ इबादत करना होता मस्जिद में, बहुत मोमबत्तियाँ जलाते, बहुत मोमबत्तियाँ जला के इबादत करते। रोशन रहना चाहिए ना, रोशनी के पुजारी, लाइट के पुजारी। आपने भी देखा होगा बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स को जो ही चिराग जलाते हैं फौरन नमस्कार करते, वो क्या है उसके अंदर, रोशनी के अंदर ना बल्ब है ना ट्यूबलाइट है उसके अंदर, वो समझते हैं कि इसके अंदर अल्लाह है। वैसे वो लोग समझते थे। ये बिदत मुसलमानों में भी आ गई, चरागाह करना, कब्रस्तान को संवारना, मस्जिद को संवारना, जितना लाइट हो सके जलाना। एक तो फजूल खर्ची है और नॉन मुस्लिम्स की मुशाबहत भी है, बर्मा के लोगों की मुशाबहत है। ये सारी बिदतें हैं। और इस रात में क्या करते हैं, ये समझते हैं कि हमारे जितने लोग मरे हैं उनकी रूहें आती हैं। हनफी फिका की एक किताब है जिसको कहते हैं फतावा बज्जाजिया, उसमें लिखा है जो आदमी ये अकीदा रखता है, हनफी मजहब की किताब है, जो आदमी ये अकीदा रखता है गए हुए लोगों की रूह दुनिया में वापस आती है, फकत कफर, ये काफिर है, किसी की रूह वापस नहीं आती जाने के बाद। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बाकायदा समझते हैं कि हमारे लोगों की रूह आती है, इसलिए घरों को संवारते हैं, चूना लगाते हैं, रंग करते हैं, खुशबू लगाते हैं, और फिर किस बड़े सीनी में उनको क्या पसंद था वो खाना पका के रखते। बिरयानी पसंद थी क्या, बिरयानी। फल में सेब पसंद था क्या, वो सब बुला के रख देते। उनके रूह आकर सूंघकर चले जाती, मौली साहब को हदिया दे देते। पेट पालने के वास्ते भी बहुत सारे लोग ये काम करके रखे हैं। एक मौली साहब को बुलाए, वे आइए हमारे यहाँ जरा फातिहा पढ़ के जाइए। तो मौली साहब हाथ उठाए, बुलाए रूह को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आई नहीं, छोड़ दिए। और एक बार, नहीं भी आती नहीं, मैं क्या करूँ, फिर उठाए छोड़े। तीसरी मरते उठा के बोले, हाँ एक बकरा, बकरा अगर इसके साथ रखेंगे उनके रूह आने के लिए तैयार है। बकरा ला के रखे जी, बेचारे दौड़ दौड़ के, अब हाथ उठाए, ओ साहब झूमने लगे, आ गई आ गई आ गई, बकरा भी मिल गया और सब वो तट्टा भी मिल गया उनको, बहुत खुश हुए। ये सब करके रखे। एक आदमी दुबई में रहता था, एक लड़का हैदराबाद का लड़का, वो आया कि उनके वालिद का इंतकाल हुआ था, उनके वालिद का इंतकाल हुआ था, पहली बरसी थी, आया था शाबान की 15वीं के लिए। उनकी जो अम्मी थी बेवा, अच्छा ड्रेस पहन के सिंगार संवार करके बैठी बैठी आए नहीं। ये लड़का भी परेशान, दुबई से आया इसके लिए क्या करें, परेशान। आखिर में यह हुआ कि एक चीज नहीं थी उसमें, वो जो रखे थे सिगरेट रखे थे, सुरुट एक होता था पुराने जमाने में, आजकल तो शायद मिलता नहीं मालूम नहीं, सुरुट एक होता था वो भी सिगरेट की तरह, वो नहीं मिलता था। उसकी वजह से उनके रूह आई नहीं, उनकी अम्मी रोने लगी, कहाँ तभी तलाश करके लेकर आओ, कहाँ मिलता, वो खत्म हो गया जमाना उसका। फतवा पूछने लगे, क्यों हजरत दो सिगरेट रख डालूँ क्या उसके बदले। मैंने कहा आइंदा साल जी सिगरेट नहीं ला के पूरा पैकेट रखो, तुम्हें पी लो, बाकी का उनके वास्ते छोड़ दो। कैसे कैसे लोग हैं जी, ऐसे लोगों का अकीदा। ये लोग शबे बरात मनाते, नऊज़ु बिल्लाह। हदीस में यूं भी आया, ज़ईफ हदीस, बिल्कुल ज़ईफ हदीस, कि शाबान की 15वीं हो तो फ़कूमु लैलहा वसूमु नहारहा, शाबान के 15 को रात में अच्छी इबादत करो, दूसरे दिन रोज़ा रखो। कल चार शंबा है, बहुत सारे लोग रोज़ा रखेंगे जो आज लोग जागते हैं, क्या फ़ायदा जी,
कुछ भी नहीं होगा, क्या भी कोई खास बात ही नहीं है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत में यूं आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, आहिस्ता से सोए, फिर आहिस्ता से उठ के कहीं गए, मैं देख रही थी, मैं भी आपके पीछे पीछे गई, जाके अल्लाह के रसूल कब्रिस्तान में दुआ करने लगे जन्नतुल बकी के मरे हुए लोगों के लिए। और अल्लाह के रसूल बताए हजरत आयशा से, मालूम है आज की रात कितनी फजीलत वाली है, आज की रात में अल्लाह ताला दुनिया की तरफ झांकता है। बनू कल्ब जो कबीला था बकरियां पालते थे, 300-400 बकरियां इसे पालते थे, उनके बकरियों के बाल के बराबर सब की मग़फ़िरत कर देता मुसलमानों की। हाँ, मुशरिक की नहीं करेगा, जो अपने दिल में कीना रखा उसकी भी मग़फ़िरत नहीं। हदीस ज़ईफ़ है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रोज़ाना तहज्जुद के वक्त, यानि जब सुबह सादिक तुलु होने के लिए घंटा हो, डेढ़ घंटा हो, उस वक्त अल्लाह ताला दुनियावी आसमान पर आते हैं और पूछते हैं, है कोई बीमार मुझसे दुआ करो तो मैं उसको तंदुरुस्त करूँगा, भूखा है खाना मांगो खाना दूंगा, नंगा है कपड़ा मांगो कपड़ा दूंगा। ऐसे अल्लाह ताला बंदों को निदा देता है, यहाँ तक के सुबह हो जाती है हर रात, ये सही हदीस है। लिहाजा मांगो, रोज़ाना मांगो, साल में एक रात मुकर्रर करके इबादत करना, ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा सवाब का काम है, बिदत का काम है। अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला हम लोगों को ऐसे गुमराहियों से बचाया। बहरहाल ये शाबान की बातें आपने भी सुनी होंगी जुम्मे के खुतबे के अंदर, और भी चंद बातें मैंने आपको बता दी। आम तौर पर इसे रमज़ान के लिए समझिए 14-15 दिन रह गए हैं, रमज़ान की तैयारी कैसे करें। शबे कदर वगैरह की फजीलत तो है, रमज़ान की फजीलत है, सब कुछ है, रमज़ान की तैयारी कैसे करें। आम तौर पर रमज़ान की तैयारी का मतलब यह होता है घर के अंदर सब चीज़ें भर के रखना, जितनी दाल होती, फुला होता, तेल 10 किलो मंगा लेंगे, 15 किलो मंगा लेंगे। क्या क्या करना है, रमज़ान आने 4-5 महीना बाकी है, पूरा किचन भर के रहेगा। किधर दे ले तो हर चीज़ है, दाल भी है, फुला भी है, बड़ा बनाना है, बड़े बनाना है, समोसा तलना है, माशाल्लाह। खाने पीने के दिन समझते रमज़ान को, सुभान अल्लाह, सब ऐसे ही समझते जी। अल्लाह ने 11 महीने की इजाज़त दी खाने पीने के लिए, एक महीना कहा भूखा रहो, हालांकि रमज़ान में सबसे ज़्यादा खाते इफ्तार के वक्त कर लेते जी, मस्जिद में अगर पीना है तो कुछ पी लिए खा लिए, फिर घर को गए, घर को जाने के बाद फिर और एक बार इफ्तार करते, फिर उसके बाद तरावी को ईशा को आना है ना, तब भी थोड़ा सा खा पी कर आते, तरावी पढ़ के जाके फिर एक मर्तबे खाते। कितने मर्तबे खाए जी, 4 या 5 मर्तबे खाते सोने तक। अगर साल भर में आप खाए हैं बड़े, तो आमतौर पर बड़े बनाते हैं ना मांस के बड़े, साल भर में खाए होंगे 40, रमज़ान में कितने खाते, 120 खाते एक महीने में, साल भर में खाते इतने, और खाने का महीना बना के रखे हैं, तैयारी इसको समझते हैं। ऐसा नहीं है जी, इसी तरह साल भर है दुनिया का, 9-11 महीने हैं दुनिया कमाने के लिए और एक महीना आखिरत कमाने के लिए, एक महीना आखिरत कमाने के लिए। रमज़ान की कितनी फजीलतें हैं जी, बहुत फजीलतें हैं ना। लेकिन आम तौर पर ऐसे भी होता है कि रमज़ान के महीने में सारी दुकानें खुली रहती हैं, 10 बजे बंद करने वाली दुकानें रात के 12 बजे तक बंद करते हैं, खासकर कपड़े की दुकान, खाने पीने की दुकान, चलते रहता कारोबार। दुनिया कमाने की ख्वाहिश रमज़ान में भी ज़्यादा रहती है, हालांकि आखिरत कमाने का महीना है रमज़ान, आखिरत कमाना चाहिए। तो रमज़ान की तैयारी खाने पीने के सामान और कपड़े के सामान में नहीं है,
रमज़ान का महीना आ गया, 10 रमज़ान भी होते नहीं, कपड़े की ख्वाहिश हो जाती, अरे जल्दी सिला लेना, दर्जी मिलेगा नहीं फिर ले जाके देंगे, ईद के दिन भी नहीं देगा, कितनी तैयारी करते जी, जल्दी कपड़ा खरीद लो, बच्चे के लिए, बच्ची के लिए, बीवी के लिए, फुलां के लिए, दर्जी को ढूंढो कौन सा दर्जी मिलता, उससे तैयारी कर लेंगे, कपड़े की तैयारी और साहब चप्पल जूते की तैयारी, यानी दुनिया की तैयारी, वो रमज़ान की तैयारी नहीं है। हालांकि रमज़ान की तैयारी ऐसी होती है कि साहब प्लानिंग करे आदमी, कुरान का महीना है भाई, है कुरान इसी महीने में नाजिल हुआ, इसलिए हमको ज़्यादा कुरान पढ़ना चाहिए, उसके लिए टाइम निकालने वाले, ऑफिस में काम करने वाले भी जब उनको फुर्सत मिलती है ऑफिस में कुरान पढ़ते, अलबत्ता कंपनी का जो जिम्मेदार है उच्च इजाज़त लेना, देखिए रमज़ान का महीना है जो मेरा काम का पूरा कर देता हूँ, टाइम रहता मैं कुरान पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं करे उसे पूछे नहीं, ऑफिस का काम छोड़ के कुरान पढ़ते ऑफिस में, गुनाह हो जाएगा, खियानत हो जाएगी, कंपनी का जो 8 घंटे का काम है उसमें आधा घंटा आप कुरान पढ़े, सवाब नहीं मिलेगा, इसके अलावा दूसरे वक्त में पढ़ो, कंपनी के ड्यूटी आवर्स हो गए 8 घंटा, फिर उसके बाद पढ़ो कुरान जितना चाहे, नहीं ऑफिस में कोई काम नहीं है तो कंपनी का जो जिम्मेदार है उससे इजाज़त ले कुरान पढ़ो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने के बड़े आलिम, 4 जो मज़हब बताते लोग, एक तो हनफी मज़हब और दूसरा मालिकी मज़हब, तीसरा शाफ़ी मज़हब और चौथा हम्बली मज़हब, सऊदी अरब में हम्बली मज़हब है, क़तर में भी हम्बली मज़हब है और बाज़ जगह दूसरे मज़ाहिब हैं, ज़्यादातर अरब में हम्बली मज़हब है। तो इमाम मालिक बहुत बड़े आलिम मदीने के, रमज़ान का महीना आता दर्स बंद, उनकी हदीस की किताब है उसको कहते हैं मुअत्ता, रोज़ाना दर्स देते इमाम मालिक, 11 महीने तक हदीस का दर्स देते, अहकाम बताना लोगों को, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, ये सब दर्स देते। रमज़ान आते ही बोलते रमज़ान कुरान का महीना आ गया, अब 1 महीने के बाद हमारा सबक शुरू होगा, खुद कुरान पढ़ते, बहुत पढ़ते, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो आदमी के 3 दिन से पहले कुरान ख़त्म कर दे, उसने कुरान नहीं समझा, कुरान का हक अदा नहीं किया, जल्दी जल्दी पढ़ते अल्लाह बचाए 3 दिन, तो इस तरह तकरीबन 10 कुरान ख़त्म कर सकते हैं रमज़ान में, 3-3 दिन को एक कुरान ख़त्म कर सकते हैं, जिनको के मौका है और साहब उनको काम कम है, घर में बैठे रहते हैं, पढ़ते रहो कुरान पढ़ते रहो, कितनी फजीलत है जी कुरान की, याद करने की कोशिश करो, बहुत अच्छा है। लेकिन बात सहाबा से मरवी है, एक रात में ये कुरान ख़त्म करते थे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने, वो एक रात को ये कुरान ख़त्म करते थे। कैसे होता जी, एक पारा पढ़ने के लिए आधा घंटा लगता, अब 30 पारे हैं 15 घंटा लगता जी, कैसा ख़त्म करते होंगे अल्लाह को मालूम जी। हमारे शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह भी एक मरतबा बोले, एक दिन मैंने कोशिश की कि एक रात में कुरान ख़त्म करना, बहुत तकलीफ़ होती, बोले हजरत उस्मान की हदीस मालूम नहीं थी क्या, 3 दिन से कम में कुरान ख़त्म नहीं करना मालूम थी, वो कहते थे रमज़ान के अलावा दूसरे महीनों में 3 दिन में एक मरतबा ख़त्म करो, रमज़ान में जितना चाहे ख़त्म करो, ऐसा बोलते थे। अब तबलीग निसाब के अंदर लिखा हुआ है हमारी घर की ख़वातीन भी एक महीने में 120 कुरान ख़त्म करते, सुभान अल्लाह, पता नहीं कैसे करते है ना। वो बाज़ लोगों ने कहा, वो भाई आसान है, मैं भी करता हूँ ना। अरे कैसे जी,
अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के कितने हुरूफ है? अच्छा 780 पर्चे उत्ता जी पूरा ऐसा लिख लो, 1,000 लो, 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ लिखते जाओ, 10 मिनट में जी पूरा कुरान ख़त्म होता जी। वैसा बोले हमारी औरतें भी हमारी ख़वातीन भी एक महीने में 120 मरतबे कुरान ख़त्म करती हैं, ये गलत है। कुरान ख़त्म करने के लिए वक्त भी अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर किया है, तो लिहाजा 3 दिन से पहले कुरान ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो एक तैयारी तो यह है कुरान पढ़ने के लिए वक्त निकाला जाए, कुरान पढ़ने के लिए मौका तलाश किया जाए जितना हो सके। हफ्ता इतवार ऑफिसों में छुट्टी रहती है, उन दिनों में चाहे तो आदमी कुरान पढ़े। और आमतौर पर ऐसे भी होता है हफ्ता इतवार छुट्टी रहती है एहतिकाफ़ भी करते, रमज़ान में एक दिन का एहतिकाफ़ कर सकते, 2 दिन का एहतिकाफ़ कर सकते। सुन्नत आखिरी के 10 दिनों का एहतिकाफ़, लेकिन रमज़ान में गैर रमज़ान में जब चाहे एहतिकाफ़ कर सकते। एहतिकाफ़ी नियत करके मस्जिद में आ गए फिर मस्जिद से नहीं निकलना, इल्ला के खाने पेशाब पाखाने की ज़रूरत हो तो बाहर जाएगा, वरना अपने आप को मस्जिद में घेर के रखेगा। तो जिनको मौका मिलता है उन लोगों को चाहिए कि रमज़ान की तैयारी करते हुए 1-2 दिन का भी एहतिकाफ़ करें, और चाहे तो आखिरी अशरे में 3 दिन का 4 दिन का एहतिकाफ़ भी करें। कोई मुद्दत नहीं है एहतिकाफ़ के लिए। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने फतह मक्का के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया, अल्लाह के रसूल मैं जब काफिर था नियत किया था नज़र माना था एक दिन बैतुल मक़दिस फ़लस्तीन जाकर वहाँ एहतिकाफ़ करूँगा, तो अल्लाह के रसूल ने कहा मक्के में एहतिकाफ़ कर लो जी, उससे भी अफजल है एक रात का। ऐसे उसी तरह एक और साहबी हैं उनैस, उनसे लोगों ने पूछा भाई तुम्हारे वालिद एक रात एहतिकाफ़ करते थे क्या? हाँ जी। कैसे? कहा कि मेरे वालिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए रमज़ान में और कहा अल्लाह के रसूल मेरे बाग हैं, मैं 10 दिन एहतिकाफ़ को नहीं बैठ सकता, पानी देना है, फुलां करना है, ये करना है, आप मुझे इजाज़त दीजिए एक रात में आके एहतिकाफ़ कर लेता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा जी 23 रमज़ान को आ जाओ, किसी में 21 है किसी में 23 है। तो क्या करते उनके बाग से ऊँटनी पर बैठकर आते, असर को निकलते, असर के बाद मगरिब से पहले मस्जिद को पहुँच जाते, ऊँटनी को बांध देते, चारा डाल देते, मगरिब से पहले मस्जिद के अंदर आ जाते, रात भर इबादत करते, फजर पढ़ते, ऊँटनी में बैठ के घर को चले जाते, बाग को चले जाते। तो एक रात का एहतिकाफ़ भी है, आधे दिन का आधी रात का भी एहतिकाफ़ है, करना चाहें तो एहतिकाफ़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि खाने पीने की चीज़ों की, कपड़े लत्ते की और सब दूसरे चीज़ों की तैयारी करने से बेहतर यह है कि हमारी रूहानी क़ुव्वत को ताकत देना है, हमारे अंदर दिल में इतना यकीन पैदा हो, इतनी दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करें, मुश्किलों को दूर करें। जो हमारे मुल्क के अंदर दूसरी जगह मुसलमान परेशान हैं उनके लिए सब दुआ करें, सोच सोच के दुआ कर सकते हैं। तो रमज़ान की तैयारी करना चाहिए और जो फजीलत रमज़ान की आई है वो सब तो आप जुमे के खुतबे के अंदर तसलसल के साथ सुनते रहते हैं कि रमज़ान की क्या फजीलत है। कुरान का महीना है रमज़ान का, लिहाजा हमको चाहिए कि रमज़ान के महीने में कुरान पढ़ने का भी ज़्यादा एहतिमाम करें। ये गलत मसला जो लोगों के अंदर मशहूर है, एक आदमी को मैंने देखा कि कुरान पढ़ रहा है ऐसे करता ऐसे करता ऐसे करता, मेरे पीछे क्या करते जी? कहा नहीं, एक हजरत बोले मुझे कुरान पढ़ने आता नहीं, उसके ऊपर उंगली फेरे तो उतना सवाब मिलता। कितने लोगों का भी यह मसला मालूम नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ने आता नहीं ना, देखते उंगली बराबर एक एक सतर को उंगली फेरते जाते, ये भी गलत है जी। जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता रमज़ान के महीने में भी किसी के पास वो कुरान सीख सकते हैं कि कुरान कैसे पढ़ना है।
कैसे इसको इसका तलफ़ुज कैसा है, ये सब हो सकता है ना। तो रमज़ान का महीना रूहानी तैयारी का, जिस्म की तैयारी का नहीं, ये होना चाहिए। रमज़ान के कुछ मसाइल ऐसे भी होते हैं कि साहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी रमज़ान में समझिए रात में बीवी से सोहबत करना जायज़ है, रात के वक्त बीवी से सोहबत करना जायज़ है, दिन में करे तो बहुत बड़ा गुनाह है। 60 आदमी को खाना खिलाना, नहीं तो ग़ुलाम आज़ाद करना, नहीं तो 60 रोज़े एक भी छोड़े बगैर मुसलसल रखना, रात में इजाज़त है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर सोहबत किए किसी भी वक्त, समझो रमज़ान में हो, जागे, अब नहाए, सहरी का वक्त ख़त्म हो जाएगा, इसलिए नापाकी की हालत में सहरी कर लेना, उसके बाद नहा लेना। ये मसला बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है ऐसे मसाइल जानने के लिए, उसके लिए आसान तरीका यही है कि साहब अगर बीवी से सोहबत हुई है या जनाबत हो गई है, इहतलाम हो गया है, उठे देर से 15-20 मिनट हैं, नहाने गए तो 15-20 मिनट ख़त्म हो जाते, फिर सहरी नहीं कर सकते ना, इसलिए सहरी कर लो फिर उसके बाद नहा लो, ऐसे ही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, ये हमेशा के लिए है। दूसरी बात औरतों से ताल्लुक़ रखती है, बहुत सारी औरतें माहवारी की वजह से रोज़ा छोड़ देती हैं, छोड़ देना चाहिए, रोज़ा रखे तो भी कबूल नहीं होता, लेकिन रोज़े की क़ज़ा बाद में करेंगी, नमाज की क़ज़ा नहीं है। कोई औरत समझिए कि अभी सहरी का वक्त बाकी है, एक घंटा पाक हो गई, उसको चाहिए कि फौरन सहरी खा ले फिर उसके बाद नहा ले। बहुत सारी औरत ऐसी हैं सहरी भी खाती नहीं नहाती भी नहीं, 8 बजे 9 बजे उठकर नहाती हैं, यह बहुत बड़ा गुनाह है। जब आप पाक हो गई तब का तब रोज़ा फ़र्ज हो गया आपका, अभी एक घंटा है सहरी के लिए, आधा घंटा है सहरी के लिए, आपको चाहिए कि साहब फौरन सहरी करो, उसके बाद नहाओ, नमाज पढ़ो, लेकिन औरतें इसमें गफलत करती हैं, इसलिए औरतों को ये मसला समझना चाहिए। तो औरतों को जितने रोज़े क़ज़ा होते हैं बाद में उनकी क़ज़ा कर लेना चाहिए। औरतों के साथ एक मसला ये भी होता है कि साहब रोज़ा रखी हुई हैं, अभी रोज़ा खोलने के लिए आधा घंटा है, अब उनको माहवारी शुरू हो गई, खून शुरू हो गया, तो उनको चाहिए कि रोज़ा तोड़ दें, क्या आधा घंटा है ना, तोड़ दें सवाब मिलेगा, क़ज़ा करेंगे इस रोज़े की। ऐसा नहीं होना चाहिए हैज़ की हालत में आधा घंटा रखे फिर इफ्तार करें, वो रोज़ा होता नहीं, वो रोज़ा नहीं होता, इसलिए वो रोज़ा नियत ही कर लें, तोड़ दी मैं रोज़ा माहवारी शुरू हो गई तो। उनके लिए ये सब मसाइल हैं, इन बातों का ख्याल करना चाहिए। उसी तरह जो औरत निफास की हालत में रहती है उस पर भी रोज़ा नहीं है और साहब उस पर भी नमाज नहीं है, जब खून बंद हो जाएगा नहा धो के नमाज रोज़ा शुरू करेगी। ये औरतों से मुतल्लिक कुछ बातें थीं। फिर उसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं सूरज डूबने के बाद भी ज़रा इंतज़ार करते, नहीं करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का प्यारा बंदा वो है देर से सहरी करता, यूँ समझे कि 5:20 को सहरी है यानी फजर का वक्त है, 5 बजे ख़त्म करो, 5:10 को ख़त्म करो, वो ज़्यादा बेहतर है, रात के 2 बजे सहरी करके सो जाना ये अच्छी बात नहीं है। उसी तरह आ चलो हम फितरन, अल्लाह का प्यारा बंदा वो है जो ही सूरज गुरूब हुआ इफ्तार कर ले, और आमतौर पर ऐसे होता है सूरज गुरूब होके 3 या 5 मिनट के बाद अजान देते हैं, ऐसा नहीं है। एक और मसला भी जो आमतौर पर होता है, किसी से पूछे क्या भी रोज़ा नहीं किया, नहीं भाई सहरी को उठा नहीं भाई, अरे सहरी को नहीं उठे तो क्या ताल्लुक है भाई, सहरी करना सुन्नत है, रोज़ा रखना फ़र्ज है, तुम ऐसे ही रोज़ा रख लो। हजरत उस्मान रोज़ा रखते थे ना, क्या भी खाने नहीं पीने नहीं, दुश्मन घेर लिए हैं, पूछते अपने बीवी से नाइला खाने हैं कुछ, कुछ भी नहीं ना,
خیر میں نیت کر لیا روزے کی, افطاری کے وقت پوچھتے ہیں کچھ ہے دو گھنٹ پانی, کہا نہیں, تب میں افطار کی نیت کر لیا. ایسے تھا تو افطار کرنا سنت ہے, نہیں کرے تو بھی روزہ رکھنا. لوگ یہ سمجھتے ہیں سارے کو نہیں اٹھے تو روزہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے جی, ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ چند مسائل تھے شعبان کے تعلق سے بھی اور رمضان کے تعلق سے بھی. انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ جمعہ کے بیان میں سنیں گے, 20-25 منٹ سے زیادہ ہو گیا, تقریباً سمجھیے کہ آدھا گھنٹے کے قریب ہو رہا ہے. شاید روزانہ 20 منٹ کا بیان ہوتا تھا, میں نے 10 منٹ آپ کا زیادہ لے لیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے سارے مسلمانوں کو ہر بدعت شرک سے, شرک کے کام سے بچائے. اللہ تعالیٰ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق رمضان توفیق نصیب فرمائے. آنے والے رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع نصیب فرمائے. جو لوگ مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور جو لوگ مریض ہیں اللہ ان کو صحت نصیب فرمائے, جو حاجت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاجتوں کو پوری کرے, جو ضرورت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پوری کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھے, اپنے پاس ایمان کی حالت میں بلا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.